ही हमारा जीवन है। और अगर हमारा आसपास गंदगी फैली है तो हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद स्वच्छ रहें, पहले अपने घर को साफ सुथरा रखें। आज पूरा घर मैंने भी साफ किया है, पूरी फैमिली ने मिलकर पूरे घर की सफाई करी है, कल नवरात्रे भी हैं। तो मीन्स हमारे को ये नहीं कि डेली आपको कब वीक में हफ्ते में महीने में एक बार पूरे घर की सफाई कर लेनी चाहिए। और जो डेली की सफाई होती है उसमें कोशिश करें कि देखें कि कोई बर्तन में पानी तो नहीं रह गया, मच्छर वच्छर हो जाए, गंदगी ना फैलाए सड़कों पे, घर जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालें, गलियों में ना डालें। तो कई लोग होते हैं जो गलियों में भी डाल देते हैं, कूड़ा होता है, मच्छर होता है। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। गाइस 2 अक्टूबर आ रहा है, मतलब महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। तो इस जयंती पर हम ये कदम उठाएंगे, मतलब हमें अपने देश को स्वच्छ करना है। तो एक कदम स्वच्छता की ओर, हमें जो भी गंदगी है, जो भी बिना मतलब की गंदगी करते हैं ना, उसको हमें दूर करना है, हमें स्वच्छता की ओर करना है। तो हम जानते हैं कि बारिश है, बारिश स्टिल बंद नहीं हुई है और जगह जगह हमको कचरा कूड़ा सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो क्या हम जरूरी है कि जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, वही चीजें साफ करेंगे? आप उनका हाथ बटा दो, आप उनकी हेल्प कर दो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप योगदान। मेरी मम्मी आज सुबह सुबह घर के काम में लगी हुई है, ये वो कपड़े धो रही है सारे सबके घर के। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा काम काजी है, पूरे घर के कपड़े साफ कर रही है ताकि हम लोग नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके। लव यू मम्मी, लव यू।